आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके विजयरथ, रिकॉल करिए कहाँ तक हो गया था। वी आर इन द चैप्टर नंबर सिक्स। चैप्टर नंबर सिक्स में थे, डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया था, कहाँ तक हो गया जरा लिखते हैं इस पे। एनी ऑफ यू, बिजारत, मोहम्मद जैद, अरिबा, एनी ऑफ यू प्लीज राइट। रायबोज तक, वेरी गुड, याद आ गया। अब आपको जोड़ना है। So now I recall your batch were discussing polynucleotide. So in polynucleotide we have discussed nitrogenous bases. थोड़ा recall कर लो बेटे आप लोग, ये हो गया था ribose and deoxyribose. That you have done. Third, phosphate you have done. Next minute. तो जस्ट चेक इन योर नोटबुक, मैं जस्ट आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। नाइट्रोजिनस बेसिस में फ्लोरीन, पाइरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन हो गए थे। पेंटोस सुगर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट हो गया था। तो अब नेक्स्ट आपको इन दोनों को ज्वाइन करना, अब बनता है न्यूक्लियोसाइड। यहां से आपकी स्टार्ट करनी है। तो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू एनी नाइट्रोजन स्पेस, एन मीन नाइट्रोजन स्पेस प्लस शुगर बोलते हैं। तो अब देखनी है जो ये कैसे ज्वाइन होते हैं। तो टू नो द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड वी टेक अपनी टेक्निक 1+9 फ्लोरीन के लिए। अब इसको मैं क्रैक करूंगा क्या इसका मतलब हो गया, और 1+3 फॉर पाइरिमिडीन के लिए। ये जस्ट रिकॉल करने के लिए अपना टेक्निक है जो हम कैसे जोड़ेंगे। आई एम गोइंग टू क्रैक द मीनिंग ऑफ दिस, क्लियर कर रहा हूं मैं। ये जो वन है वो कार्बन नंबर वन है शुगर। अब देखो यहाँ मैं फिर से स्ट्रक्चर आपको बना रहा हूँ, शुगर में नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ रहा हूं। सब रिकॉल कर रहे होंगे। अब यहां से आपको ये क्लियर है जो बेहतर इट इज राइट। अब डीएनए का बनाएंगे, आरएनए कुछ भी बनाए, अटैचमेंट सेम होगा। डीएनए है तो आपको यहाँ पर एच लिखना पड़ेगा, डीऑक्सीराइबोस। अब हम इसकी ओएच को इससे लिख रहे हैं कि जॉइनिंग यहीं से होनी है। वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो कार्बन नंबर वन है ये वन, ये वन का मतलब हो गया वन, दिस वन। एनी नाइट्रोजिनस बेस ऑलवेज रिमेन अटैच टू दिस कार्बन नंबर वन ऑफ द शुगर। अब इसमें से किसी, मान लो हमने प्यूरीन बेस लिया, सी एन, ये सब हम लोग कर लिए थे। एन सी, सिर्फ इस एन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, यू नो द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये 1 + 9 का मतलब हो गया बच्चे, ये 1 मतलब ये कार्बन नंबर 1, और ये 9 का मतलब हो गया प्यूरीन बेस का। इसको आपकी मर्जी है, इसको एडेनिन बनाओ या इसको गुआनिन बनाओ। मीनिंग 1 + 9 यानी अब इनकी ओ एच और इनकी एच मिलकर एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा। तो पहले अब ये बना लो, फिर मैं बॉन्ड बताता हूँ, फिर बुक में अंडरलाइन कराता हूँ। यहाँ तक आप हो जाए तो आप बता देंगे। यहाँ तक हो गया बच्चे? यस डन। तो अब देखो, दिस ओएच एंड एच रिएक्ट एंड रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल। Then what happens? It gets joined like this. Okay. And this bond is called as N-glycosidic linkage or bond. अब page number 96 पर underline कर दीजिए। अब यहाँ से question आई आपको, this bond is N glycosidic linkage. So now the question is, name the bond oblique linkage present between nitrogenous base and sugar, or where N glycosidic bond present. तो ये आपको 96 पर मिलेगा, अंडरलाइन कर ले, वही है क्वेश्चन। Why it is called N glycosidic? Because in sugar के अंदर में bond is glycosidic, और sugar is attaching with nitrogen, nitrogenous base, that's why N glycosidic ring. Clear? Done. Now come. So if it is the pyrimidine base, then you know from here it will get attached. 1 + 3 यहाँ से attach हो जाएगी. But in all cases, any nitrogenous base always remain attached to the carbon number 1. If I am asking in the objective, in which carbon number of the sugar nitrogenous base remain attached, again answer is 1. So many objectives you can derive from here. Now, let us come on the nucleotide. अब आप अलग से फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब यहाँ देखेंगे न्यूक्लियोटाइड की बात। न्यूक्लियोटाइड वी टेल दैट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब बच्चे इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, तो अब क्वेश्चन आती है जो फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा। तो अब फॉस्फेट की अटैचमेंट होगी, यहां पर लिखेंगे फॉस्फेट गेट अटैच एट कार्बन नंबर 3. अब देखो बच्चा, यहाँ से एंड भी लिखना है और भी लिखना है 5 ऑफ सुगर। अब इसको मैं क्रैक करूंगा, चाहे एंड होगा या और होगा, लेकिन दोनों कैसे होगा वो मैं बताऊ। तो इसको 3 एंड और 5,
कौन हो गया भाई? किस बच्चे को भूख लग गई है, रो रही है? किसी बच्ची को भूख लग गई। फॉस्फेट के टेचर्स एंड कार्बन नंबर 3 और 5। तो ये जब आपने नोट किया तो अब देखो किसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को अटैच कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो इसकी OH को ये फिफ्थ फिंगर पर अटैच कर रहा हूँ, दिस OH एंड लाइटिंग दिस साइड, क्योंकि अटैच करना है इसलिए इनको मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ ले लिया फॉस्फेट, ये फिफ्थ फिंगर है। अब आप एक बार क्या करोगे, अब देखो इनकी OH और इनकी H मिल गई, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल, रिएक्शन ऑफ दिस OH और H हो गया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। पहले ऐसे दिखा दो फिर मैं जोड़ता हूं। हो गया वो जा रहा, पहले ऐसे दिखा दिया, देखो एक ऑक्सीजन बच रही है, बाकी सारे देखो दो OH के बीच रिएक्ट हुआ है यहाँ। अब ये OH OH निकल गया, मिला। अब कर दू इसको, तो अब यहाँ पर बच गया एक ऑक्सीजन, इनसे जुड़ गया। दिस बाउंड इज कॉल्ड एज एस्टर बाउंड। तो अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बाउंड होता और एक एस्टर बाउंड। अब यहाँ तीन तरह के कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ये ऑल आर डिस्कशन ऑफ योर पेज नंबर 96। अब यहाँ पूरी डिस्कशन करने के बाद पैराग्राफ आपकी बुक में खुलेगी, मैं भी यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगा। कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा भाई, जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो पहले तो न्यूक्लियोसाइड बना, उसके बाद इसमें शुगर लग गया, अब ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है। यहां से यहाँ न्यूक्लियो देखो, ये अब यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर बेस था, ये शुगर था, दोनों आपस में जुड़ गए तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड से ये फॉस्फेट जुड़ गया तो पूरा का पूरा ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा तो पॉली न्यूक्लियोटाइड सब चेन होगा डीएनए का, आरएनए का। अब ये आपने बना लिया, आई एम कमिंग ऑन अनदर पॉइंट। डिस्कशन के बाद हम आपको यहाँ स्क्रीन शेयर करेंगे और एक एक लाइन को हम देखेंगे कि हम लोग पूरी एक एक वर्ड से वाकिफ हुए या नहीं। जब तक डीएनए की स्ट्रक्चर चल रही है तब तक एकदम एकदम स्लो चलिए, बिना समझे एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। डीएनए को बड़ी ढंग से केमिस्ट्री जान गए आप, पूरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कुछ भी नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। इसको मिटा दो बच्चे, और आज बच्चियां लोग कुछ नहीं लिख रही है, ना अजका कुछ लिख रही है, ना प्रेता कुछ लिख रही है। ये हो गया यहाँ तक बच्चा, उस्मान भी चुपचाप बैठा है। हाँ अब आ गई, इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चे। अब हम देखो
अब ये एडेनिन के साथ बना, तो इनका नाम कुछ और होगा ना। आप जैसे आप पूरी बैच में आप लोग हैं, तो ये 12th बैच है, उस्मान भी है, फैका भी है, ईसा भी है, ये हम बोलते हैं, लेकिन फिर सबके अलग अलग नाम तो अब होगा ना। तो अब ये न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड का जो नाम होगा उस पर मेक अ टेबल, 11th वाले में जो थे उनके पास टेबल होगा, लेकिन मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वेरी सेंसियल सारे बच्चे नहीं थे। आप एक A4 सीट ले लेना बच्चा, जिनके पास नहीं है आई विल टेक न्यू सीट, और जिन बच्चियों के पास है जो बचा के रखे हुए हैं उसको आप कंपेयर करोगे, और हेडिंग लिखोगे वेरियस न्यूक्लियोसाइट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर लिख दो सीरियल नंबर, यहाँ बच्चे लिखो बेस का नाम, कल तक हम लोग काफी आगे निकल जाएंगे और तो टेंशन, आज इसमें थोड़ा स्लो रहेंगे, कल काफी आगे हम आज के बाद से निकले। अब यहाँ 1, 2, 3, 4 आई थिंक ए से काम चल जाएगा, ए स्टैंड फॉर एडेनिन, बी स्टैंड फॉर गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन। अब यहाँ पर एडेनिन के साथ न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो गया था बच्चों, नाइट्रोजिनस बेस और प्लस शुगर। अब देखो जब दो तरह के कंपाउंड मिल गए हैं तो उनका नाम तो अलग हो जाएगा ना, सेम तो नहीं होगा। अब जैसे ये मान लो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, H2O पार्टेड हो गया, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं कर दिया, लाइक दैट इनका नाम बदलेगा। तो टू रिकॉल द नेम न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए दो वर्ड आप याद रखो, जो आप कहीं यहां मैं लिखता हूं आप यहां मत लिखना, आप कहीं किनारे लिख लो फिर मैं इसको मिटा देता हूं। जो इतने प्यूरीन बेस है उसमें आपको लास्ट में, इसको बोलते हैं सफिक्स, लास्ट में जोड़ दो साइन, और जितने पायरिमिडीन है बच्चे पायरिमिडीन का ये सफिक्स डाइन, साइन और डाइन याद रखो सारे नाम बन जाएंगे। ये कहीं रफ पर लिखो, अभी एक तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अब एडेनिन है तो एडेनिन का मैं आप जब शुगर जुड़ गई तो एडिनो साइन, देखो गुआनिन के साथ गुआनो साइन, देखिए साइन साइन तोड़ते जाइए रटने नहीं लगाना। पाइरिमिडिन में ये डाइन साइटोसिन है, साइटिडाइन, थाइमिडिन, यूरिडिन, देखो डाइन डाइन डाइन, इनके नाम जान जाएंगे तो आगे हमको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये साइन डाइन का फॉर्मूला क्लियर, सफिक्स नोट कर लिया, अब इसको मैं मिटा। अब देखो बच्चे इनमें, अब जब इसमें एक फॉस्फेट आपने जोड़ दिया, किसने फॉस्फेट जोड़ा था, एडिनो साइन में एक फॉस्फेट जोड़ा है आपने, इनका नाम क्या होगा, एडिनो साइन एक ही फॉस्फेट जोड़ा है, मोनो फॉस्फेट, इनकी एब्रिविएशन होती है AMP, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑड एडिनिलिक एसिड, ये वर्ड भी आएगा ट्रांसक्रिप्शन यू कैन जो उसमें। लाइकवाइज गुआनोसाइन
मोनो फॉस्फेट जीएमपी और गुआनिलिक एसिड। बच्चे यहीं पर ट्राई कीजिए, मोनोफॉस्फेट जीएमपी और टाइटी डाइल्यूटेड आयोडीन मोनोफॉस्फेट जीएमपी और डाइल्यूटेड और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूएमपी और यूरिन डाइल्यूटेड एसिड। पर इतना नोट कर लो, फिर एक चीज और बताओ, ये हो जाए बच्चे तो बता दे। सो सिंपल है और आगे चल के आएगा। आज यहाँ पर इतने एडिनिलिक एसिड ऐड किए गए, बच्चों को पता है कि भैया इधर एडिनिलिक एसिड ये है। टेबल बना लो बड़ी खूबसूरत सा, हो जाए बच्चे तो आप लिख देना, आराम से लिख लें, कोई जल्दीबाजी नहीं। कल हम लोग पैकेजिंग तक पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, बजारत ये भी कर लिया है, पहले वाला खाना है जी। ठीक चलिए, अमानत हो गया बच्चे का, उस्मान भाई ऐसा आप लोग का तो पहले भी हो गया था, भी बता दो। सारे बच्चे किसी का छूटना नहीं है। अरिबा जो बच्चे 11th में नहीं थे वो थोड़ा ध्यान देंगे। नेबिला बच्चा प्यूरिन हो, उस्मान या पाइरिमिडीन हो, ग्लाइकोसिडिक बाउंड एम ग्लाइकोसिडिक बाउंड 1,3-OD बना देता हूँ, टेबल के बाद एक बना देता हूँ, और आप लोग रफ में सारे बना लेना।
पूरी वीक, इस वीक में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, पीछे पूछते थे, अभी आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं, एक दो बच्चे तो रेगुलर डालते थे क्वेश्चन, इस वीक में कोई क्वेश्चन नहीं डाला। अभी सब ग्रुप को एक बना देता हूँ, हमने लिखा 1+3 एक बता देता हूँ, ये हो जाए बच्चे चलू तो बताओ क्यों होते बता रहा हूँ। इन एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट यू राइट डाउन, सुमान लिखा है पहली मीटिंग में वो बता रहा हूँ। सारे बच्चे कहाँ हो गया? ठीक है, आप लोग इस पर ऐसे सिग्नल डालो सीधे दिखाई दे देता है बोर्ड, इस पर लैपटॉप पर यू आप लोग यू दबाते हो दिख जाता है, सारे बच्चे समझ में आ जाते हैं आपका हो गया, क्योंकि एक हम मिटा देंगे एक भी बच्चे का रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं नीचे वाला भी नहीं मिटा रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा रहा, आप देखो भाई उस्मान, अब आपके लिए एक और बना दूं, टू कर वही टू एच या फिर वही हो है ये एच, चलो पायरिमिडीन आपको देखनी है तो पायरिमिडीन में कोई बेस बनाती है तो उसकी बेस जरूरी है। अब ये पायरिमिडीन बेस हो गई 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने कहा था 1+3 इनका ये है। अब इसको जो आपको बनाना हो 2 6 डाय और 5 डाय बनाना हो साइक्लिक बनाना हो डज नॉट मैटर, ये 1 और ये 3, तो ये ओ एच और एच मिल गया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गई, ये बॉन्ड बन गया, ये दे ये 1 3। शुगर का वैल्यू नहीं किया, वहां था 1+9 और यहाँ 1+3, चाहे वो यूरासिल हो साइटोक्सिन हो जो भी, क्लियर बना डालो और एक एक सब बना लेना उसको, ठीक है। चलो भाई सुमान भाई का हो गया, आगे बढ़ अब हम आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, उसके बाद लैंग्वेज में आएंगे। आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, अरे एक चीज आप देखो भाई, आप लोगों में से अब कितने बच्चे इमेजिन करके एटीपी का स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो 11th में थे उनको बताना चाहिए एटीपी का पक्का, इमेजिन करो आज का कैसे बनेगा एटीपी का स्ट्रक्चर, बन जाएगा ठीक है। अभी जो हमने दिखाया था एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एक और जोड़ दोगे उसमें फॉस्फेट में तो एडीपी, एक और जोड़ दोगे तो एटीपी। अब हम आते हैं जल्दी से पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीमिस मैंने आपको बताया, स्टार्ट किया था उस समय में लिखा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब हम किस कंडीशन पे आ गए। अब मैं इसको छोटा छोटा लिखता हूँ बच्चे, देखो अब ये देखो पहले अब यहाँ पर कोई भी बेस लगा सकते हैं, मैं बी लिख देता हूँ, कोई मतलब एडेनिन लिखो क्वानिन लिखो कोई मतलब। अब यहाँ से एक चीज है, यदि डीएनए होगा तो ये होगा, पहले दो चार में बना दूंगा, पहले आप देख लो उसके बाद, यहाँ बेस कोई भी बेस हो सकता है, इसमें आप एडेनिन लिखो ग्वानिन लिखो साइटोसिन लिखो थायमिन लिखो कुछ भी लिखे कोई मतलब नहीं।
अभी आप पहले एक को देखो, आप ये एक न्यूक्लियोसाइड है और ये एक न्यूक्लियोसाइड, अलग अलग मैं लिखा हूं। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट आया, हमने लिखा था फॉस्फेट गेट अटैच एट कार्बन नंबर 3 एंड और 5, दोनों लिखा था 3 एंड और 5। अब इसको जस्टिफाई करें, अब एक फॉस्फेट आया, यहाँ देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो एक इनका OH, अब इनके देखो OH, इनके का शुगर के एच से यहाँ रिएक्ट किया, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ निकाल देगा। अब यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इस फिफ्थ की OH और ये H रिएक्ट किया, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ निकल गया। तो 1 फॉस्फेट जॉइंट्स 2 न्यूक्लियोसाइड, 1 फॉस्फेट जॉइंट्स 2 न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें अब क्या होगा, इसी तरह फिर ये फॉस्फेट आएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ पर वो रिएक्शन में करके ही दिखा देता हूँ आपको, निकल गया तो ये देखो नीचे पर, और यहाँ भी OH रहा होगा और इनकी OH से रिएक्ट हुआ, ये जुड़ गए, तो इस तरह से लंबा चेन बनता चला जाएगा। और जहां OH, तो इस बॉन्ड को बोला एस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एस्टर था, यहाँ फॉस्फेट के साथ दो दो एस्टर है, तो क्या हो गया, टू न्यूक्लियोसाइड्स। Remain joined by phospho di ester bond। पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और बता रहा हूं आप। अभी हम लोग यहीं पर हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये बात कर रहे हैं। तो जिनके पास बुक है बुक को खोलिए, जिनके पास नहीं है यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये स्ट्रक्चर पढ़ाए, इसको बना लो और इस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। अब देखो बच्चे, ये जो बना है ये पूरी चेन, ये सेम यहाँ बना हुआ है, ये देखो ये। अब आप क्या करोगे बुक में, तो इसके अंदर आप लिख दो ए, मान लो अब आपको एग्जाम में पूछ गए, इसके अंदर हम लिख दें कुछ भी लिख दें ए,
ये क्या होगा, शुगर होगा। यहाँ देखो यहाँ गुणानिन से है तो यहाँ पर मान लो हम लिख देते हैं कि एक्स, इसको आप पेंसिल से खींच लो, ये क्या है बच्चे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये एन ग्लाइकोसिडिक है, ये देखो ये भी एन ग्लाइकोसिडिक है, एन ग्लाइको, और ये जो है ये है फॉस्फोडाइस्टर, ये वाला बाउंड है, ठीक है, ये वाला, ये दोनों एच अलग अलग है, मैं यहाँ एच टू लिखता हूँ, इसको अलग भी कर सकते हैं आप, जैसे ये एच है तो ठीक है, ये इसको इधर एच लिख दू लाइक दिस, तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। अब एक चीज और देखें, तब आपको हम लाइन आपको गौर करवाते हैं, फिर गौर कर पाएंगे पूरी लाइन, तो व्हाट इज पोलैरिटी, क्या होता है डीएनए आरएनए, मान लो अब ये डीएनए का या आरएनए का स्ट्रैंड है, तो एक साइड आप लिखते हो 5, एक साइड लिखोगे 3, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 एंड 5, इस तरह से जब लॉन्ग चेन बनेगा तो जो लास्ट में शुगर आएगा उसके देखो 1/2, थर्ड पे कोई फॉस्फेट नहीं है, जहां थर्ड पे कोई फॉस्फेट नहीं है इसको कहोगे 3-, लेकिन अब यहां पर मैं पहले नहीं डाला, अब डाल जो 5' होता है 5N, तो इनके यहां पर तो ये OH होके एक खाली है जी, ठीक है, ये OH यहां पर खाली है, लेकिन यहां पर क्या होती है, ये OH खाली नहीं होके एक फॉस्फेट यहाँ आके बैठ जाता है कैप की तरह लास्ट, तो इसे बोलते 5'। तो अब यदि आपसे पूछता व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी, इन 5 को आप कैसे डिफाइन करोगे, या व्हाट डू यू मीन बाय 3', 5', व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी, तो ये जो अब बन गया, ये पॉलीमर बन गया, अब यहां लाइन देखिए गौर करिए बुक में, कुछ बच्चे हैं तुरंत आते हैं तुरंत गायब आ जाते होते हैं, ज्वाइन करते हैं भाग जाते हैं खाना खाने के लिए, अभी हम पूरी लाइन पर, पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर देखो लाइन, ए पॉलीमर 10 मैंने इस तरह से, और प्री फॉस्फेट मॉइटी फिर हम बैक आएंगे और प्री फॉस्फेट मॉइटी एट 5 एंड ऑफ, नया वाली बुक में ये राइबोज नहीं होगा, सीधा शुगर लिखा, जिनकी पुरानी बुक होगी ये यहाँ पर राइबोज होगा, तो नई बुक में यहाँ पर इसको हटा के सीधा शुगर लिख दिया, रीजन इसका ये है, ये तो डीएनए में भी होगा आरएनए में भी होगा, तो यहाँ दो ऑप्शन बनती है, आइदर यू हैव टू राइट राइबोज ऑब्लिक डीऑक्सीराइबोज या फिर आप सीधे शुगर लिखो, तो यू चेक इन योर बुक, यहाँ राइबोज है तो ऑब्लिक डीऑक्सीराइबोज, नहीं नई वाली बुक में शुगर है तो इसलिए, एनीवे ये 5' व्हिच रेफर्ड एज 5' पॉलीमर, ये इनके बारे में कह रहा है फॉस्फेट मॉइटी माने मॉलिक्यूल, और अनदर एंड पे नहीं है इसको, और आपने कहा तो डीएनए आरएनए में इसका मतलब ये हो गया। अब कम बैक फिर से अभी आते हैं, अभी इसको अभी छोड़ना नहीं हम, अब बच्चे देखो इतनी जो आपकी ये लाइन है इसको गौर फरमाइए, इतने दो क्लास लगा है इसको समझाने में, जो जिन बच्चों को 11th में कराया था, अब आप इसकी लाइन को पढ़े तो ये देखो यहाँ पर कहता है, आपके साथ मैं पढ़ देता, लेट अस रिकैपिटुलेट का मतलब होता है दोहराना, कहाँ दोहरा रहे हो आप, तो 11th में पढ़ा था, जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो फर्स्ट टाइम, इसलिए यहाँ लिख दिया लेट अस रिकैपिटुलेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए और आरएनए,
क्लियर। अब देखो ए न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट्स, पहले ही बता दिया कितने कंपोनेंट है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, शुगर राइबोज इन केस ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। अब गौर करिए जी इस पैराग्राफ के लिए समझाने समझने के लिए हम कितना मशक्कत करनी पड़ी है और कितने इजी हैं। एंड फॉस्फेट ग्रुप देयर आर टू टाइप्स नाइट्रोजनस बेस ड्यूरिंग ये सारे कर लिया आपने, देखिए इसको दो मिनट में पढ़ के कहीं कोई दिक्कत है तो ये अंडरलाइन किया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अभी आ गया था, नाइट्रोजन टू पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसिडिक सारी मैटर हो गया। अब इसको आप आराम से पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगी। अब क्या है एक चीज जो अभी जो हमने जो एडेनिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन ये तो डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन है, यदि डीएनए का ये एडिनोसाइन है तो आपको प्रेफिक्स लगा देना पड़ेगा डिऑक्सी, डिऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और डिऑक्सी आप नहीं लगाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पर देखो ये देखो आप बड़ा सा टेबल बनाए थे तो आपको लगा होगा सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब बच्चा यहाँ देखो एडिनोसाइन या डिऑक्सी एडिनोसाइन, सीधा एडिनोसाइन किया तो आरएनए का हो गया, डिऑक्सी कर दिया तो हमने डिऑक्सी ही बनाई थी, इसी तरह गुआनोसाइन डिऑक्सी गुआनोसाइन ये दोनों लाइन के लिए मैंने टेबल आपको बनवा दिया, यू विल बी अवेयर विद ईच एंड एवरी लाइन। अब इस लाइन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे, यहाँ तक आ गए हम लोग ये कर लिए थे यहीं पर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी ये भी हो गई। अब ये मैटर हो गया सीडासेंट, अब ये बैकबोन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैकबोन इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन बाउंड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो अभी इसने नहीं मिटाया, यहाँ से देखो ये जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यहाँ से पीछे ये बैकबोन की तरह है जहां से बेस इरिगेट कर रहा है, इसको ये आप कर लिए हैं, जिसको सिंपल सिंप्लीफाई कर देता हूँ बैकबोन बताने के लिए। इस लाइन पे रहिए बैकबोन, इस शुगर जो है इसके लिए ये शुगर शुगर इसके लिए मैं लिख देता हूँ एस, इस फॉस्फेट के लिए लिख देता हूँ पी, फिर ये शुगर, फिर ये शुगर, फिर ये शुगर। अब यहां से बेस निकल रहा है चाहे वो एडेनिन हो ये गुआनिन हो साइटोसिन हो थाइमिन हो, तो अब देखो ये जो है इट इज लाइक एन बैकबोन और नॉट, ये बैकबोन की तरह है और यहां से लिवेट कर रहा है। अब इसको यदि और एक लाइन सिंप्लीफाई कर दूं ये बैकबोन को, न्यू बैकबोन यहां से एडेनिन यहां गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया दिस इज बैकबोन यहां से एलिवेट हो रहा है। आगे बढ़ो बच्चे, अब ये कुछ बच्चे आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं ऐसे में कैसे हो गए। क्लास में रहते हैं तो बैठे रहते हैं कुछ तो सुनते हैं, अब यहाँ पर अपने घर में सुन जाते हैं। अब यहाँ देखो फाइव मिथाइल यूरासिल ये लोग पहले हम लोगों ने कर लिया था, आई मीन के लिए फाइव मिथाइल यूरासिल, अब इस लाइन में आइए। अब ये लाइन जो है अब इस स्टोरी में साइंटिस्ट के सिर्फ कंट्रीब्यूशन है यहाँ, तो यहाँ क्वेश्चन बना दो राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब यहाँ वन टू थ्री कर दीजिए, बुक है सबों के पास पहले इसको करो फिर एंट्री नंबर वन करिए, देखो अब जो मेंडल ने जो किया देखो इनका ईयर है 1869,
मेंडल ने जो वर्क किया था 1865 में, इसके 4 ईयर लेटर 1869 में, जबकि क्रोमोजोम इस सब का कुछ भी डिस्कवरी नहीं था, तो इन्होंने कहा था जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जो सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक, बस इतनी डिस्कवरी कर पाए, और ही सेड द नेम न्यूक्लीन। यहाँ पर यहाँ पर लिखो क्वेश्चन, हु प्रपोज द टर्म न्यूक्लीन, हु प्रपोज द टर्म न्यूक्लीन, ये आ गया फ्रेडरिच मिस्टर, देखिए 1869। अब इसके बाद अब सीधे आया वाटसन एंड क्रिक, लेकिन उनसे पहले अब इसके बारे में बात करेंगे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजानेल फ्रैंकलिन, इसको अंडरलाइन करिए। इन्होंने क्या किया, तो ये एक्चुअली स्टडी कर रहे थे प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर को, रोजानेल फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो प्रोटीन भी किए थे डीएनए, हम डीएनए से मतलब है, बट दे हैज स्टडीड बोथ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड डीएनए। तो डिफ्रैक्शन आप समझते होंगे फिजिक्स में, किसी चीज से टकरा के जब लाइट इधर बेंड होती है दैट इज डिफ्रैक्शन, एक होती है डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और यह डिफ्रैक्शन, यहां से टकरा के जो गई थी उससे जो स्ट्रक्चर बनी थी दैट इज डिफ्रैक्शन। तो इस डिफ्रैक्शन के बेसिस पर वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया जो मॉडल आप पढ़ेंगे डबल हेलिकल, वो इन्हें प्रपोज किया, लेकिन इसमें एक बात यहां नहीं किया, इनसे कोई बात नहीं किया, इनके स्टडी को पढ़ लिया कैसे किया, और उसको हेल्प लेके इन्होंने प्रपोज कर दिया डबल हेलिकल मॉडल। और आगे ई चढ़ गया, जब डीएनए की बारी आ गई थी पूरी स्टडी हो गई, तो ई चल गया, आपने कहा क्या, ए जितना होगा उतना टी होगा जी, और सी जितने होंगे उतने जी होंगे, क्योंकि ए की पेयरिंग टी से होती है, सी की पेयरिंग जी से, तो ए ऑलवेज इक्वल टू टी, सी ऑलवेज इक्वल टू जी, ये आगे और भी क्लियर होगा। तो या ए और टी ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये वैरी करेगा, तो जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना सी होगा उतना जी, ये चार चार्ट। यहाँ पर चार साइंटिस्ट आपको आ गए, वन टू सर, हेलो सर, सानू समझ नहीं आ रहा सर, आ गए आप तो फ्रेडरिच मिस्टर, सेकंड में हमने बोला रोजानेल फ्रैंकलिन एंड विल्किंस एंड वाटसन क्रिक, अच्छा क्या ये कंट्रीब्यूशन से हो गया। तो इनका रेशियो, अब हम आते हैं डबल हेलिकल पे, आएंगे डबल हेलिक्स पे। तो अब ये डबल हेलिक्स जो कंप्लीट हो जाएगी, कल का पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये, हम यहां से पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ए और टी के बीच डबल बाउंड, और सी और जी के बीच तीन बाउंड, जब आप इतनी मशक्कत कर लिए जो सारे के स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, तो यहाँ जो सिंपल ये बच्चों की तरह ए टी और सी जी दे रहा है वो क्यों करे हमारे बच्चे, ये देखो हम लोग अब इस बाउंड को देखें, क्योंकि हमारे बच्चे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन के स्ट्रक्चर जान रहे हैं, ये दो बाउंड कैसे बना, ये तीन बाउंड कैसे बना, इसको देखो, ये बीच में हाइड्रोजन बाउंड होता है, एक मैं बनाता हूं और उस बेसिस पर दूसरा आप बना लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल ऐसे, ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा कल, और हम लोग पैकेजिंग पर भी चले जाएंगे, पहले इतना तक देख ले, जब तक डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग एकदम स्लो स्लो चलते हैं, इनकी एक एक बारीकी देखनी। और टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर टू बाउंड,
तो फिर हम लोग इंडियन फॉर्मूला लगा ले 1166। ये लिखने के लिए नहीं है, फिर समझने के। अब देखो मैं ए और टी का कौन बनाता हूं, ये देखो केवल आप यहाँ क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर को मिरर इमेज लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। सी 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 यहां करेंगे एन सी और एम। एज यू हैव टू मेक इट एडेनिन, एडेनिन बताया था, ये बताया था एमाइनो का क्या फेवेश थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। मैं इधर की बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जहां पर वन वन और सिक्स सिक्स के बीच बनती है उस पर हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर एमिनो लग गया, यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन के भी चार पूरा करना है आपको, तो यहाँ आपकी कंपोजिशन है डबल बॉन्ड डालना, इनका भी हो गया और इनका भी हो गया। अब एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, ए सी यहां से एन एन सी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स। अब थायमिन जो होती है बताया था टू सिक्स डाइऑक्सी फाइव मिथाइल, तो हमने क्या कहा था वन वन सिक्स सिक्स करके वन के सामने वन सिक्स के सामने सिक्स। अब यहां पर तो थोड़ा वन वन सिक्स सिक्स पर बाउंड को गौर किया जाए, इन कार्बन के तो भैया एक दो तीन चार पूरे हैं, और सिक्स नाइट्रोजन के एक दो ही है, यहां आप दे नहीं सकते, पांच हो जाएगा, आपको यहां लगाना है, ठीक है। अब यहां हमको जरूरत है इनसे। अब देखो यदि आपको अभी केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ लिए, पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ठीक है, इसमें आप फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पढ़े होंगे, ये ऑक्सीजन डबल बाउंड ऑक्सीजन इनके साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता और इससे इसको एक बाउंड हो गया। हम लोग इस पार्ट पर है एटी, समझ लो फिर बनाना। अब यहां डबल बाउंड नाइट्रोजन है, ये बाउंड फॉर्मेशन दो चीज पर डिपेंड करेगी, इनकी डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस प्लस न्यूक्लियोफाइल्स। ये क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल नहीं होगा तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगी। ये है ए और टी, सो सिंपल, हमने कहा वन के सामने वन और सिक्स के सामने सिक्स रख, ये बना लो, फिर सी जी करा देता हूँ। तो अभी बच्ची ये आज का ये पेज नंबर 99 पर क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आप करोगे पेज नंबर 99, जब न्यूक्लियोसोम से जोड़ देंगे तब लिख लो, पेज नंबर 99 पर लिख दो। मोहम्मद जैद बोलते हैं रिपीट करें, आयका डन, उस्मान डन,
डन ठीक है। अरे मोहम्मद जैद यहाँ देखो भैया, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स नहीं पड़े हो तो ये ऑक्सीजन बदमाश है ना, डबल बाउंड है, यहाँ से कर लेगा इसको, यहाँ डबल बाउंड है, ये इनको खींच लिया, तो ये दो बाउंड बना के नहीं बना। और इसी को मैं बोलूं सीजी कर दो तो आप लोग तो अलग से बना लोगे, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, जी और सी में तीन बाउंड। आप देखो ग्वानिन में क्या हुआ था, ग्वानिन में हमने बताया था जो उसे एमाइनो का कैप पसंद नहीं है, आप दोबारा बना लोगे, इसको मत करना आप लोग। तो ग्वानिन क्या करता है, ये पॉकेट में रख दिया एमाइनो, और पहन लिया ऑक्सीजन की कैप। जब ये ग्वानिन बन गए और ऑक्सीजन की कैप पहन लिया तो ये कार्बन का एक दो तीन चार पूरा हो गया, इस बेचारे नाइट्रोजन का नहीं हुआ, तीन को हाइड्रोजन देना पड़ेगा ठीक है। और हमने कहा था या इनको साइटोसिन बनाना है आपको, तो ड्यूरिंग दैट आई टोल्ड यू ये साइटोसिन इनके दोस्त हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप को उल्टा कर देना आपको, यहाँ पहले से ऑक्सीजन है रहने दो और यहाँ पर आप लगा दो एन एच टू, एन लगा दिया तो यहाँ डबल बाउंड, क्योंकि वन वन और जगह की बाउंड मैं नहीं कर रहा, जहां जहां हमको जरूरत है उसके बाउंड को मेंटेन किया ठीक है। यहाँ एन एच टू हो गया ठीक है भाई, यहाँ भी बाउंड। अब याद देखो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को खींचा, एक बाउंड यहाँ हो, ये नाइट्रोजन यहाँ देखो यहाँ डबल बाउंड है तो ये इस एच को खींचा, एक बाउंड यहाँ बन गई। और ए टी में जो नहीं बना था यहाँ एमाइनो यहाँ ऑक्सीजन, तो यहाँ एक बाउंड बन गया, ये आपका तीन हाइड्रोजन बाउंड है सी जी के बीच, डू इट। ये हो जाती है तो डबल हेलिकल तक हो जाएगा, इफ यू वांट टू कंटिन्यू पूरा डबल हेलिकल वाटसन क्रिक मॉडल आज पूरा हो जाएगा। हो गया सबका भाई, चलो तो अब ये आपको पता है ये कैसे बन गया जी, अभी आप देखिए ये ऐसे बन गए दो हेलिक्स कैसे, तो नेचुरल वे में अब क्या हो रहा है इसको देखिए, इस पॉइंट पढ़िए डीएनए के स्ट्रक्चर जो यहाँ बना इस पर आ रहा हूं मैं, क्लियर। तो अब देखो यहाँ 1166, अब हम दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपको जोड़ना है, तो अब यहाँ जो है आपकी ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनी है, दोनों न्यूक्लियोटाइड यहाँ दिखा हुआ है, इसको एस पी एस पी। तो अब ये यहां से क्लियर हो गया, जो वन के सामने वन, सिक्स के सामने सिक्स लाओगे, ये जो दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी है उसको आपको उल्टा रखना पड़ेगा, ऐसे रहेगा तभी ऐसे दो स्ट्रैंड तभी ये उल्टे आएंगे, इसको देखो यहां से बने। अब हमने अभी क्या था, यहाँ एस है, ये पी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एस, ये हो गया सुगर फॉस्फेट बैकबोन। व्हेन यू आर राइटिंग इन दिस फॉर्म देन यू हैव टू राइट दिस वन,
क्योंकि स्ट्रक्चर तो क्लियर नहीं है, तो पकड़ेंगे कौन से। अब मान लो यहाँ एडेनिन है, यहाँ गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ थायमिन। तो इसी तरह पहले इनको देख ले। अब यहाँ देखो ये शुगर, ये फॉस्फेट, फिर ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट। तो इस शुगर से ये थायमिन होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ ए हो। ये उल्टा होगा तब ये दूसरे के पास आएंगे ऐसे, ये बाउंड। इसी को केमिकल फॉर्म में ये यहाँ है, ये शुगर फॉस्फेट। इसी को मैं सिंप्लीफाई किया हूं, क्योंकि हमको सीधे आना, अब इस पर आना है। तो इस पर आने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई किया, अब और सिंप्लीफाई करते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस वन डबल हेलिकल मॉडल। इसको मिटाओ। अब इसके लिए मैं सिंगल सिंगल लिखता हूं, सिंगल सीधा लाइन लिखूंगा। यानी आप यदि यदि आप इसको कर रहे हैं तो फॉर दिस शुगर फॉस्फेट आई एम राइटिंग वन लाइन लाइक दिस, दूसरे के लिए ये लाइन दिस वन, ऐसे कर दिया। अब यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ टी, ए टी, ए सी। इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म इधर फाइव, इधर थ्री, इधर फाइव, इधर दिस इज गेट सिंप्लीफाइड। देखिए नेचर में ऐसे नहीं आता, नेचर में आप घूम कैसे गया उस पर बात करेंगे। ये डीएनए जो नेचुरल वे में है ये घूम कैसे गया है उस पर बात कर लेते हैं। इसको समझा देते हैं, इनकी डिक्टेशन अगले दिन हो जाएगी, कम से कम यहां तक हम लोग पूरे आ जाए, समझ तो ले मैटर को। अब देखो ये जो है दिस इज वन बेस पेयर, ये एटी है मान लो और ये सीजी है, एटी सीजी। तो ये जो ए टी सी जी है ये ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता, ये इट रिमेन टिल्ट एट 36 डिग्री। ये मान लो एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन स्ट्रेट जो दिख रही है ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ये एक दूसरे से 36 पर ऐसे ट्विस्ट है, फिर इससे नीचे वाला इससे 36 पर ट्विस्ट होगा। एक दूसरे से 36 पर यदि ट्विस्ट करता गया ये, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा जी? ये 2D में तो आपको लगेगा ये ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। 3D में देखोगे ये दो बेस पेयर ऐसे टिल्ट है, तो स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे या नहीं? यदि आप ऐसे एक लंबी सी मान लो ऐसे करके जो सर्कस वाली सीढ़ी है और ये हर स्टेयर 36 पर घूमी है एक दूसरे से 36, तो ये पूरे 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 ऐसे सांप की तरह हेलिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? दो धागा ले लो इस तरह से आप, नहीं टू थ्रेड, ऐसे घर में दो थ्रेड ले लो, यहां से 80 बना के एक थ्रेड को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और एक को दूसरे से थोड़ा इसको ऊपर में हंग कर लो, बांध के ऐसे जो जो धागा लिया है उसको ऐसे करके ऊपर में हंग कर लो, और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ 36 36, तो देखो कैसे बनेगा, ऐसे पूरा बन जाएगा। तो नेचुरल वे में ऐसे ही होता। अब यहाँ
यहाँ तो ये देखो एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया है लेकिन डिस्क्रिप्शन तो लिख दिया है ये वाली। अब ये जो मैटर है इसको मैं पूरा आपको लिख देता हूँ, बना देता हूँ। अब देखो यहाँ से ये 36 से घूमना शुरू हुआ तो कंप्लीट ये 360 डिग्री ऐसे रस्सी घुमा फिर 360 पे 360 पे आ गया। तो इनकी जो डिस्टेंस होती है 3.4 नैनोमीटर लेंथ और 34 एंगस्ट्रम। 11th में ये यूनिट दिया हुआ है, यहाँ ये यूनिट दिया हुआ है। तो टू बेस यदि घुमा हुआ है 36 में तो वन कंप्लीट टर्न में कितने आ जाएगी, 10 बेस पेयर आएगा। इसको बोलते हैं बेस पेयर, बीपी बेस पेयर। तो एक पूरा यहां से टर्न आया और ये पूरा टर्न पूरा हो गया। इनकी लंबाई है 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर। तो ऑटोमेटिकली दो बेस की दूरी इससे 10 टाइम लेस का हो जाएगी 3.4 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रम। और ये बैकबोन टू बैकबोन 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर। और ये राइट हैंडेड घुमा हुआ है, पहले इसको बना ले। अब इसकी जो पूरी डिक्टेशन है वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी, अगली क्लास में पूरी कर लेंगे। यहां तक आप समझ लें, यहां तक का डाउट क्लियर करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको मैटर बता रहा हूँ, यही चीज लिखा हुआ है, इसी को डबल हेलिकल मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज, तो बच्ची पूछ रही थी जो क्रोमोसोम पर कैसे चार्ज होता है, तो जब हिस्टोन डिस्कस करेंगे कल तब बता लेंगे हम उस बात को। तो एक काम करें आप, यू हैव ए टाइम, यू कैन नोट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, डिस्कशन हम कर लें कल। ये आपको बन गया। ये बन गया तो आप लिख लो मैटर पॉइंट्स। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिप्स मॉडल ऑफ डीएनए। आप पहले नोट कर लीजिए, जो टाइम है तो पहले नोट हो जाएगा, डाउट रहेगा तो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। राइट हैंडेड दैट इज क्लॉक वाइज BPA stands for base pair।
Hence, distance between two base pair is ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल हेलिकल मॉडल। हो गया बच्चे, नोट कर लिया आपने? तो डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट, दैट सेम थिंग इज रिटन अबव, यहाँ पर जो है उसी को सिंप्लीफाइड में मैं लिख दिया हूँ। अब सीधे अब आ जाएंगे पैकेजिंग, एक अलग बात शुरू हुई, इसलिए मैं स्टार्ट इसको नहीं करूंगा। अब पैकेजिंग एक नई मैटर शुरू होगी। अब तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूरा कर लिया, यस नोटेड सबका? तो अब आज तक आज आपका यहीं पर रहा। टुमारो वी विल डू द पैकेजिंग, क्रोमोसोम कैसे बनेगा, तब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी वो डिस्कस करेंगे। पहले हिस्टोन करेंगे और बाद में इस पे आएंगे, ये वाली जो पॉइंट। यहाँ तक आपका हो गया, ये पार्ट नहीं हुआ है, ये अलग चीजें हैं, ये अलग चीज है। हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर तक करनी है, ठीक है बच्चे? तो यहां तक पूरी डीएनए को रिवाइज कर लीजिए प्लीज, कल क्लास होने से पहले, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एक बच्चे ने पूछा है जो क्रोमोसोम में बेसिक कैसे होता, वो इसका आंसर कल मिलेगा। तब तक के लिए